मंडला हिप ने गायों की मौत पर जताई चिंता। जनपद की कई गौशालाओं का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान गौशाला में मिली कमियों पर अधिकारियों को दिए निर्देश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जिस तरह से किसानों के लिए अभिशाप के रूप में अन्ना जनमन ने दस्तक दी थी, इससे चिंतित होकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अन्ना प्रथा को गंभीरता से लेते हुए यहां पर पशु आश्रय केंद्रों का निर्माण कराने का काम किया था। पशु आश्रय केंद्र में जानवरों की देखभाल को देखते हुए सरकार के द्वारा खासी मोटी रकम का भी इंतजाम किया गया, लेकिन अब अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आए दिन गौशालाओं के अंदर इन अन्ना जानवरों की मौतें हो रही है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मंडल के नवागंतुक मंडलायुक्त गौरव दयाल के द्वारा गौशालाओं में हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए आज जनपद की कई गौशालाओं का निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां आज नवागंतुक मंडलायुक्त के द्वारा जनपद की कई गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त ने निरीक्षण के दौरान गौशालाओं में काफी कमियां देखने को मिली है, जिनको लेकर मंडलायुक्त गौरव दयाल ने यह कहा कि मैं गौशालाओं की दयनीय स्थिति देखकर काफी चिंतित हूं। अभी जिन गौशालाओं का मैंने निरीक्षण किया है, उनमें बाउंड्री वाल की व्यवस्था नहीं है और न ही भूसे का इंतजाम है। इसको लेकर आज मेरे द्वारा मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जाएगी। इसके बाद उनसे इस विषय पर पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि गौशालाओं के अंदर गायों की लगातार मौतें हो रही हैं और इनका जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा शासन से गौशालाओं के नाम पर आने वाले पैसे में जो भी व्यवधान आ रहा है, उसको देखते हुए हम शासन से यह अपील करेंगे गौशाला के लिए आवंटित धन का सरलीकरण किया जाए, जिसकी वजह से गौशालाओं के लिए दिया जाने वाला धन और सही समय पर उपलब्ध हो सके। इन गौशालाओं में रहने वाले पशुओं का समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके और व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। बांदा जनपद के जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की है कि हम जिस तरह से जानवरों को पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं, जब वह दूध देना बंद करते हैं तो हम उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अन्ना जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी हीरालाल ने यह भी कहा है कि सभी लोग उन गायों का उपयोग करने के बाद उन्हें छोड़ नहीं, उन्हें अपने घर में ही सुरक्षित रखें, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, शत्रुघ्न सिंह, बांदा, यूपी। गौशालाएं हैं मुख्यालय बांदा में और इस जनपद में अभी तक 360 गौवंश मर चुका है इसके अंदर गौशाला के। अभी आपने देखा, क्या आपको समझ? तो ये मैंने आज सुबह जब इस गौशाला जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ के बारे में जब जानकारी मिली, तो हम लोगों ने इसको रिव्यू किया है और आज शाम को चारों जनपदों के CVOs को बुलवाया है और वो पूरी स्टेटस रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहेंगे। तो फिर हम लोग इसको रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसमें कि किन कारणों से पशुओं की मृत्यु हो रही है और जो भी व्यवस्थाएं, जहाँ पे जो भी कमी होगी, जहाँ पर भी, उसको हम लोग एक अभियान चला के उन कमियों को पूरा कराएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी इस प्रकार की एडवर्स घटना, चाहे वो पशु बीमार हो, कोई दिक्कत हो, दिक्कत आ रही हो, या लापरवाही से किसी पशु की मौत हो, ऐसी घटनाएं किसी प्रकार से ना घटित हो, इसके लिए हम लोग व्यवस्था बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी शासन निर्देश है उसका 100% कंप्लायंस कराया जाए। सर, अभी इस निरीक्षण में क्या खामी पाई है आपने जो देखा है? देखिए, अब ये खामी, एक तो खामी यही है कि जो भूसा यहाँ दिया जा रहा है उसको सही जगह पर रखने की व्यवस्था नहीं है, तो ये ज़मीन पर ही इसको डाल दिया जाता है और गाय, तो उस वजह से भूसे की वेस्टेज हो रही है। तो अभी प्रधान जी से बात हुई है, वो यहाँ पर चरही बनवा रहे हैं, 2-3 दिन बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि जो इसकी जो बाउंड्री वॉल है, जो तारबंदी की गई है, वो उसमें कुछ कमियाँ हैं, तो जानवर अंदर आ जाते हैं, उस वजह से भी दिक्कत होती है। तो ये कमियाँ इन सबको अब एक हम लोग एक निरीक्षण करा लेंगे, जितने भी यहाँ के पशु आश्रय केंद्र हैं पूरे मंडल के, निरीक्षण करा के जो भी कमियाँ हैं उनको एक रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसको हम अभियान चला के सारी कमियाँ दूर कराएंगे। सर, यहाँ पे बजट जो आया है, उस बजट को यहाँ तक आने में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके CBO का कहना है कि जब तक हमें पूर्ण रिपोर्ट ना मिल जाएगी, टैगिंग नहीं होगी, तब तक हम इस पैसे को रिलीज नहीं कर सकते, तो इससे भी गौवंश मरना है। तो हम इसको रिव्यू कर लेंगे, जो बजट की उपलब्धता है वो किस प्रकार से स्पीड अप की जा सके और उसमें वो स्मूथ फ्लो हो धनराशि का ग्राम पंचायत तक, वो ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है और उसको हम लोग सरलीकरण का प्रयास करेंगे। मेरा अपील ये है कि यहाँ एक जो अन्ना प्रथा के नाम से चलता है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं कि दूध निकालने के बाद ये लोग जानवर को छोड़ देते हैं, ये प्रथा इसी एरिया में है और जिसके वजह से ये समस्या गंभीर बनी हुई है। सारे प्रयास कहीं ना कहीं कमी के रूप में दिखाई देते हैं, प्रयास बहुत हो रहा है, हर तरह से हो रहा है, आप लोग भी देखते हैं। तो मेरा यहाँ के पशुपालकों से, किसानों से, यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि जानवर को अगर वो पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, तो उनको पालें, उन्हें छोड़ें मत, क्योंकि वो जा करके दूसरे का नुकसान करते हैं और उससे कई तरह का नुकसान हो रहा है और दिक्कत हो रही है। थैंक यू।